नमस्कार दोस्तों, सेहत और जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। पानी वाले सिंघाड़े तो आपने खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप उसके औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं? सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में सिंघाड़े बिकने शुरू हो जाते हैं। सिंघाड़े में पॉलीफेनल्स और फ्लेवोनाइड जैसे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी कैंसर और एंटी फंगल माना जाता है। इनके सेवन से गजब के फायदे मिलते हैं। ये कई तरह के बीमारियों में फायदेमंद होते हैं, तो आइए इसके अन्य फायदों के बारे में जानते हैं। कैल्शियम से भरपूर सिंघाड़ा आपकी हड्डियों में जान डालने का काम करता है। आगे चलकर इससे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी नहीं होती है। हड्डियों के अलावा यह आपके दांत और आँखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर मांसपेशियाँ कमजोर है या वीकनेस है तो सिंघाड़ा खाएं। सिंघाड़ा पित्त और कब्ज को भी खत्म करता है। सिंघाड़ा शरीर के लिए मैंगनीज का अवशोषक करने में सक्षम होता है, जिससे शरीर को मैंगनीज का भरपूर लाभ मिलता है। यह पाचन तंत्र के लिए बढ़िया है, साथ ही बुढ़ापे में होने वाली कई बीमारियों से भी बचाता है। पेट की समस्याओं से निजात दिलाए। सिंघाड़े का सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और अपच से भी राहत दिला सकता है। यह दस्त की समस्या में भी फायदा पहुंचाता है। यह आंतों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इसके सेवन से भूख न लगने की समस्या भी दूर हो सकती है। गले की कई समस्याओं से राहत दिलाए। सिंघाड़ा गले की कई समस्याओं में राहत पहुंचाने का काम करता है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो गले की खराश और टॉन्सिल आदि से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है, जो गले संबंधी रोगों से रक्षा करता है और थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर के ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी सिंघाड़े को अच्छा माना जाता है। यह यूरिन से जुड़े रोगों में भी बहुत फायदेमंद होता है। अस्थमा में लाभदायक। अस्थमा के रोगी जिन्हें सांस से जुड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है, उनके लिए सिंघाड़ा बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सिंघाड़ा नियमित रूप से खाने से सांस संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद। गर्भवती महिलाओं की सेहत के लिए भी सिंघाड़े को काफ़ी अच्छा माना जाता है। शिशु और मां की सेहत के लिए यह काफ़ी अच्छा है। इससे पीरियड्स और गर्भपात दोनों ही समस्याओं से राहत मिलती है। सिंघाड़ा बवासीर जैसे मुश्किल समस्याओं से भी निजात दिलाने में कारगर साबित होता है। 100 ग्राम सिंघाड़े में 6% विटामिन सी और 15% विटामिन B6 पाया जाता है। सिंघाड़ा शरीर को ऊर्जा देता है, इसीलिए उसे व्रत और उपवास के खाने में भी अलग अलग तरह से शामिल किया जाता है। इसके अलावा सिंघाड़े के सेवन से अनिद्रा की समस्या में भी राहत मिलती है। सिंघाड़ा खाने में कुछ सावधानियाँ। रोजाना 5 से 10 ग्राम ताजे सिंघाड़े खाना चाहिए, क्योंकि पाचन प्रणाली के लिहाज से सिंघाड़ा भारी होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। इसका ज़्यादा सेवन करने से पेट में भारीपन व गैस बनने की शिकायत हो सकती है। सिंघाड़ा खाकर तुरंत पानी न पिए, इससे पेट में दर्द हो सकता है। तो इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी इन सर्दियों में सिंघाड़े का सेवन करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी युक्त वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।